गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। जल्दी से जुड़ जाइए भाई, सब लोग एक बार ऑडियो वीडियो कंफर्म करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। मंडे की सुबह है तो काफ़ी लोग अभी सो ही रहे होंगे, तो जल्दी से जगें और जगते हुए सोम की याद करें कि सोम में हमने क्या किया, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और बेहतरीन सेशन एक आज करेंगे, ठीक है। सबको गुड मॉर्निंग है, सबको हमारी तरफ से गुड मॉर्निंग है। रेगुलर क्लासेस आप कर रहे होंगे, क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिया है, तो अब हम तो लोग आगे बढ़ते हैं। बेहतरीन सेशन है आपका सोम का, ये क्लास हमारे ख्याल से 46 होगा, ठीक है। 45 क्लासेस हम सॉल्व कर चुके हैं, मतलब इतना सीक्वेंसली वन बाय वन हर एक पहलुओं को सोचते हुए कि ये हो जाए तो क्या होगा, और इससे ऐसे पूछ ले तो क्या होगा। मतलब आपको क्वेश्चन करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, आप थ्योरी में ही इतनी बातें सीख लीजिए कि क्वेश्चन अपने रूप बदले और हम पहले ही सोचे बैठे हूँ कि ऐसा, अच्छा ये तो पहले ही सोचा था हम सब लोगों ने, तो यही होता भी है, अच्छी पढ़ाई का यही तरीका भी है। खैर चलिए, तो मोर सर्किल हम सब लोग ड्रॉ करना भी सीखे, मोर सर्किल की हर एक के बारे में रीडिंग लेना भी सीखे, किसी मोर सर्किल पे किसी प्लेन को कैसे शो करना है। तो हम सब लोग क्या करते थे, ज्वाइन करते थे सेंटर से उस प्लेन के कोऑर्डिनेट्स को, और सेंटर से प्लेन के कोऑर्डिनेट को मिलाने जो लाइन थी वही लाइन आपका क्या शो कर रहा था, प्लेन को शो कर रहा था, ओके। और दो अलग अलग कोऑर्डिनेट, जैसे हमने एक्स और वाई पहले कोऑर्डिनेट बनाया था, दोनों को मिलाया तो एक्स वाई के बीच में यहाँ पर देखा गया 180 डिग्री है, पर रियल में तो 90 था। मतलब मोहर सर्किल के हर एक एंगल को अगर हम देखें तो डबल डबल बताता है, लेकिन मोहर सर्किल के सर्कमफ्रेंस पर कहीं भी जाइए, मोहर सर्किल के सर्कमफ्रेंस पर आप कहीं भी जाइए, कुछ ना कुछ उसका नॉर्मल होगा, कुछ ना कुछ सियर होगा। दिनेश पाल गुड मॉर्निंग, एक बार आप कन्फर्म करिए और हमारा ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है, जिससे हमें एक बल मिलता है कि हम आसानी से आप तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। दिनेश पाल कंफर्म करिए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके ओके ठीक, गुड मॉर्निंग, तो ठीक है, ओके है तो ओके है। अब हम लोग ने क्या क्या सोचा, अपने सोचिए कि क्या क्या बातें हुई थी। मोर सर्किल ड्रॉ करना कितना इजीली सारी चीजें हो गई थी, जो दिया है उसी से सारी बातें होने वाली है। तो हम सब लोग गिवन कंडीशंस से कोऑर्डिनेट्स को लोकेट करते हुए मोर सर्किल ड्रॉ किए थे। सेंटर जहां गोला प्रकार की नोक रखना वही सेंटर है, और रेडियस कितना भरना है वो भी आपको पता है। इसके बाद हम सब लोगों ने प्लेन्स भी लोकेट कर लिए और अलग अलग केसेस के बनाए। अलग अलग केसेस में एक हाइड्रोस्टैटिक 2D कंडीशन आया, और हाइड्रोस्टैटिक 2D कंडीशन मतलब कि थर्ड डायमेंशन में स्ट्रेसेस जीरो है। हाइड्रोस्टैटिक 2D कंडीशन इसका मतलब है सिग्मा यहाँ है, सिग्मा है। जैसे क्या होता है ना कि आप सब लोग कई बार घबरा जाते हैं कि अब देखो ये मान लीजिए हम सिग्मा दिए, क्या ये नहीं सिग्मा दे सकते, क्या इसका मान सिग्मा नहीं दे सकते, दे सकते। यहाँ सिग्मा कोई नॉर्मल शेयर थोड़े बता रहा, सिग्मा एक मान है। सिग्मा में मान लो आलू है, तो आलू है भाई, ठीक है, शेयर भी आलू है, नॉर्मल भी आलू है, उसमें क्या दिक्कत है। आप लोग सर इसको सिग्मा कैसे दिखा दिए, अरे केवल मान है यार, कि शेयर स्ट्रेस भी सिग्मा के बार सिग्मा ही है, कोई 5 है 10 है 20 है 25 है कुछ भी, तो डरना नहीं है। यहाँ नॉर्मल भी सिग्मा है, सीयर भी सिग्मा है। नॉर्मल का भी मान 5 MPa है, तो सीयर का भी मान 5 MPa है, बस यही सिंपल सी बात है। तो इसमें घबराने की कौन सी बात आ जाती है, तो ये कैसे सिग्मा दे दे, कोई कुछ भी दे सकता है, आलू दिए तो ये सिग्मा, अगर आलू है तो ये भी आलू है, बात खत्म। इसमें डरने की क्या बात है यार, बहुत लोग डर जाते हैं, पर ये कैसे सिग्मा दे दिया, ये तो टाऊ होता है, क्या टाऊ को सिग्मा के बराबर नहीं, वैल्यू मैग्नीट्यूड तो कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है, खैर चलिए, आप जानकार हैं, समझदार है, हो सकता है आलू को भी नहीं देखना है। तो हाइड्रोस्टैटिक 2D अपने आप में ही समाहित किया है कि सिग्मा 3 = 0, सिग्मा ZZ = 0। अच्छा एक बात सोचिए, कोई प्लेन की कोई अपनी पुश्तैनी औकात नहीं है कि हम यही प्लेन है, एक्सिस क्या आपने लिया है उससे प्लेन का निर्धारण होता है। हम सब लोग रेफरेंशियल क्या ले रहे हैं, कि इसको एक्स ले रहे हैं, इसको वाई ले रहे हैं, और बाहर की तरफ जेड ले रहे हैं, तब ये एक्स प्लेन है, तब ये क्या है, एक्स प्लेन है, क्योंकि इसका नॉर्मल एक्स होगा। और इसी समय इससे तय होता है कि ये वाई प्लेन है, क्योंकि इसका नॉर्मल क्या है, इसका नॉर्मल वाई होगा। तो
तो ये एक रेफरेंस की बात होती है कि आप कौन सा एक्सिस ले रहे हैं। अगर ये एक्सिस आप अपने रेफरेंस को बदल दें तो प्लेन का नाम भी बदल जाएगा। समझ पा रहे ना इस बात को? कोई पहले से पुश्तैनी नहीं होता कि नहीं हम यही होंगे, ऐसा कुछ नहीं। हाँ ये जरूर है कि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को हम लोग सिग्मा वन से और सिग्मा टू से दिखाते हैं, हाँ ये जरूर है। बात समझ में आ रही ना? बात समझ में आ रही है? तो अब आप सब लोग ध्यान रखिए, बिल्कुल कोई ऐसा कुछ नहीं है नियम कानून। हाँ ये है कि हम जनरल ये अप्रोच है हमारा और इसी अप्रोच पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो तो इसका सिग्मा 30 सिग्मा 3 यहाँ लोकेट किए, सिग्मा 1 भी यही है, सिग्मा 2 भी यही है, तो पॉइंट सर्किल बना। अब अगर ईमानदारी से आप सोचिएगा, ये आपका कोई 3D प्लेन सिस्टम है, चलिए ये आपका कोई 3D प्लेन सिस्टम है और इस 3D प्लेन में आपने बनाया ऐसे ऐसे ऐसे, ये आपका सिग्मा यहाँ दिया हुआ है, ये आपका सिग्मा यहाँ दिया हुआ है, एक्स में सिग्मा वाई में सिग्मा। अब अगर हम ध्यान दें, अगर हम इस प्लेन को कट करें, ध्यान दीजिएगा, ऐसे इस प्लेन को कट करें, जब हम इस ब्लू वाले प्लेन को कट करके लाएंगे तो क्या एक तरफ सिग्मा दिखेगा, एक्स की तरफ सिग्मा दिखेगा, और क्या इस तरफ जीरो होगा, इस तरफ जीरो होगा कि नहीं, आप बताओ। ये तो जेड प्लेन की तरफ हुआ ना, ये इसका नाम अगर देखें इसका नाम है एक्स एंड जेड, और जो ये दिया गया है ये क्या है, एक्स एंड वाई, तो इधर जीरो होगा ना। अब इसका अगर मोहर सर्किल बनाए तो एक पॉइंट ये होगा एक पॉइंट ये होगा, तो इसके लिए ऐसा मोहर सर्किल बनेगा ना। अगर हम यहीं पर और इसी में अगर हम इसी में ध्यान दीजिए, अगर हम ऐसा प्लेन कट करें वाई जेड ले, अगर हम इसी में वाई जेड प्लेन ले, तो वाई जेड प्लेन में क्या होगा कि सिग्मा इधर दिखेगा, सिग्मा इधर दिखेगा और इधर जीरो होगा क्योंकि तो ये आपका वाई जेड, तो वाई जेड के लिए वाई का कोऑर्डिनेट सिग्मा इधर होगा ए होगा, ये वाई जेड के लिए भी होगा। तो अगर हम ध्यान से सुनिएगा, एक्स वाई प्लेन में सीयर पूछे तो आप कहोगे गुरुजी एक्स वाई प्लेन का मोर सर्किल पॉइंट सर्किल है और उसमें सीयर मैक्सिमम सीयर जो होगा वो जीरो होगा, इसके हिसाब से टाउ मैक्स क्या होगा, जीरो होगा क्योंकि रेडियस इसका जीरो। पर अगर कोई एक्सजेड प्लेन में आपसे पूछे, एक्सजेड प्लेन में कोई अगर आपसे पूछे तो एक्सजेड के लिए ये होगा और उस केस के लिए रेडियस जो होगा वो सिग्मा बाई टू होगा और ये क्या होगा, टाउ मैक्स। तो एक्सजेड के हिसाब से अगर कोई पूछे टाउ मैक्स तो आप कहोगे गुरुजी इसके लिए टाउ मैक्स जो होगा वो सिग्मा बाई टू होगा, और जब कोई वाईजेड के लिए पूछेगा तो इसके लिए टाउ मैक्स जो होगा, इसके लिए जो टाउ मैक्स होगा वो क्या होगा, इसके लिए टाउ मैक्स होगा आपका सिग्मा बाई टू। देखिए सब कोई अपना सही बता रहा है, कोई गलत नहीं बता रहा है। एक्स वाई प्लेन के हिसाब से मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जीरो, वाई जेड प्लेन के हिसाब से मैक्सिमम शियर स्ट्रेस सिग्मा बाई टू, और एक्स जेड प्लेन के हिसाब से भी सिग्मा बाई टू। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम कौन होगा भाई, ध्यान रखिएगा, ये आपको हम शायद एक कॉन्सेप्ट दे चुके हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमम। एब्सोल्यूट मैक्सिमम होता है मैक्सिमम मैक्सिमम, मैक्सिमम में मैक्सिमम, तो ये तीनों मैक्सिमम है, जीरो भी मैक्सिमम है, सिग्मा बाई टू भी मैक्सिमम है, सिग्मा बाई टू भी मैक्सिमम, पर इन सब में जो मैक्सिमम होगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बताएगा। तो हाइड्रोस्टेटिक 2D कंडीशन में ध्यान सुनिएगा, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बेहतरीन, जो तीनों में मैक्सिमम हो तो ध्यान रखिएगा। अब फिर से हाइड्रोस्टेटिक 2D कंडीशन में टाउ मैक्स सिग्मा बाई टू होता है, टाउ एब्सोल्यूट मैक्सिमम सिग्मा बाई टू होता है। पर अगर ये 3D होता, अगर हाइड्रोस्टेटिक 2D के बजाय क्या हो जाता 3D, तब सिग्मा 3 भी सिग्मा के बराबर होता। हाइड्रोस्टेटिक का मतलब कि नॉर्मल स्ट्रेसेस इक्वल हैं मैग्नीट्यूड के भी और सेंस के भी, पर 2D बोलते ही आपने 3D थर्ड डायमेंशन में जीरो बोला। पर अगर 3D होता जो कि एक्चुअल में प्रेशर होता है तीनों डायरेक्शन से होता है, तो 3D में हर एक प्लेन में शियर जीरो ही होता,
2D में, जबकि जीरो नहीं होता 2D में, उस प्लेन में केवल जीरो होता है और दो प्लेन्स में सिग्मा बाई 2 होता है टाउ मैक्स। क्लियर हुआ रहा? अगर अब ध्यान दीजिए, नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एन सिग्मा हो गया, टाउ फ्रॉम एक्स फेस से जीरो हो गया, एवरी प्लेन विल हैव जीरो शियर स्ट्रेस, हर एक प्लेन में जीरो। कौन से? एक्स वाई प्लेन से अगर हम बात करें, एवरी प्लेन इज कॉल्ड प्रिंसिपल प्लेन, इसमें इनफाइनाइट प्रिंसिपल प्लेन्स होंगे। हाइड्रोस्टैटिक के केस में कितने प्रिंसिपल प्लेन होंगे? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट प्रिंसिपल प्लेन्स। सिग्मा वन सिग्मा के बराबर, सिग्मा टू सिग्मा के बराबर, सिग्मा थ्री जीरो, क्योंकि टू डी है, क्योंकि क्या है, टू डी है, टू डी में सिग्मा थ्री जीरो है, पर अगर थ्री डी होता तो वो भी सिग्मा होता। खैर इसी के बाद से रिजल्ट चल रहा है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन प्लेन, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अगर एक्स वाई प्लेन के हिसाब से बात करें तो जीरो। इन प्लेन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फॉर वाई जेड प्लेन अगर बात करें तो सिग्मा बाई टू। वाई जेड प्लेन के लिए बात करें तो सिग्मा बाई टू। ऐसे अगर एक्स जेड प्लेन की बात करें तो सिग्मा बाई टू। एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर, मैक्सिमम ऑफ दिस 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 एंड मैक्सिमम ऑफ दिस इक्वल टू सिग्मा बाई टू। आई थिंक अब आपको क्लियर हुआ होगा। दिनेश पाल जी, ये एक आपको डायग्राम दिया गया है, पहले इसको देख लो। कभी क्या होता है ना कि क्वेश्चंस को देखना तो पड़ेगा ना, क्वेश्चन एक समय बाद बिल्कुल आप ऐसे ही कर लेंगे कि अच्छा ये वाला होगा, हाँ बिल्कुल, लेकिन एक बार तो पढ़ना पड़ेगा ना। इसको ध्यान से देखो, ध्यान से इसलिए बोल रहे हैं एक्सिस बदल गया है, ध्यान से इसलिए बोल रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और इधर क्या है, y एक्सिस है, ये y एक्सिस है और इधर z एक्सिस है। एकदम ऊपर की तरफ आप देखें तो z एक्सिस है, इधर की तरफ y है, ये आपका z है और ये आपका x है। तो जो यहां पर एकदम क्लियर है, बिल्कुल दिख रहा है ना, जब सामने वाला फेस देखोगे तो यहां पर सिग्मा वन या फिर सिग्मा x, वही दोनों सिग्मा वन है। यहां पर ये सामने वाला फेस एक्स प्लेन है, ये सामने वाला फेस क्या है, एक्स प्लेन है। कोई किसी की बपौती नहीं होती, पहले बोल दिए हैं, अगर एक्सिस बदल दो प्लेन का नाम ही बदल जाएगा। ये सामने अब प्लेन का नाम, अब आज हम बताएं, ये तो बहुत यार बेवकूफी वाली बात है। हमें लगता है कि आपको सारे प्लेन्स दिख रहे होंगे, क्यों, क्योंकि प्लेन को दो ही तरीके से बता सकते हैं, या तो दो एक्सिस या तो नॉर्मल। सर एक्सिस तो भूल गए, नॉर्मल से बताएंगे। तो इसका नॉर्मल एक्स है, ऊपर टॉप वाला फेस क्या है, ये फेस क्या है, ये जेड प्लेन है, ये आपका क्या है, जेड प्लेन। ये जेड क्यों नाम दिया आपने, क्योंकि इस समय जो है ये वाई और ये क्या है, वाई प्लेन है, ठीक। अब अगर इसमें हम ध्यान से देखें तो सिग्मा वन सिग्मा एक्स है और सिग्मा टू माइनस सिग्मा टू जो है वो सिग्मा वाई है। माइनस क्यों लिख दिए गुरुजी, क्योंकि कंप्रेसिव है, और सिग्मा जेड जो है वो यहां भी जीरो है, सिग्मा जेड यहां पर भी जीरो है, इस प्लेन में कोई नॉर्मल। अच्छा यही क्या प्रिंसिपल है, क्योंकि इसमें सीएल जीरो है, यही प्रिंसिपल है। यहां अगर हम एक्स वाई प्लेन को रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये लाइन बनाएगी, बताएगी, ये लाइन आपको एक्स वाई प्लेन बताएगी। और इस वाले प्लेन में अगर हम ध्यान से देखें तो एक तरफ सिग्मा वन ऐसे बाहर की तरफ खींच रहा है और एक तरफ सिग्मा टू ऐसे दबा रहा है। ये आपका एक्स वाई है। इसके लिए मोहर सर्किल अगर ड्रॉ करना हो तो आप कहोगे गुरुजी एक तरफ सिग्मा वन कॉमा जीरो और एक तरफ माइनस, माइनस क्यों भाई, कंप्रेसिव है, कॉमा जीरो, और फिर ऐसे सर्किल बन जाएगा। इसका रेडियस जो होगा वो टाउ मैक्स बताएगा। ये एक्स वाई प्लेन का आपने बना दिया, ये किसका बना दिया आपने, एक्स वाई प्लेन का। क्लियर? अब इसी में अगर किसी ने तय किया कि नहीं हम वाई, हम अगर ये देखें, ये प्लेन का क्या नाम होगा जो ब्लू कलर का बना रहा है, इस ब्लू कलर वाले क्या नाम होगा बताइएगा आप ध्यान से, ब्लू कलर जो बना है इसका नाम क्या होगा। इधर की तरफ सिग्मा वन दिखेगा और इधर जीरो जीरो होगा, इधर की तरफ सिग्मा वन होगा, मतलब ये एक्स जेड होगा, ये एक्स और इधर ऊपर की तरफ जेड, एक्स एंड जेड प्लेन, और इसके लिए सिग्मा वन कॉमा जीरो, तो क्या ऐसे एक सर्किल बनेगी,
भाई एक आपको यहाँ जीरो जीरो क्योंकि इस फेस का और इस फेस का सिग्मा 1.0, तो एक सर्किल उसी में हम तीनों बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक ही सर्किल में तीन, एक ही एक्सिस के रेफरेंस में तीनों बनाना। अब अगर इसी में हम ध्यान से देखें तो वाई जेड की बात करते हैं, वाई जेड कैसे होगा आप बताइए। अगर हम ऐसे कट करें जो पिंक कलर का है ऐसे, तो जो पिंक कलर वाला है क्या वो वाई जेड के बारे में बताएगा? इधर की तरफ सिग्मा टू, इधर की तरफ सिग्मा टू और ये जीरो जीरो, ये वाई एंड जेड, ये वाई है और ये क्या है जेड फेस है, ये जेड फेस है और ये क्या है वाई फेस। देखो एक बार ध्यान से, एक बार ध्यान से देखो बहुत ईमानदारी से, ये जो पिंक कलर का है ऐसे दिख रहा ना सबको। अब इसका अगर बनाओ तो एक सिग्मा टू होगा और एक जीरो जीरो, तो क्या इसके लिए ये होगा सर्किल? दिख गया ना सबको। अब इस तीनों में अगर हम ध्यान से देखें तो ये अलग है, ये अलग है और ये सबसे ज्यादा है, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम यही तो होगा, यही तो मैक्सिमम रेडियस ही आपका मैक्सिमम शियर बताता, पर ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। देखिए ध्यान से, समझ में आया कि नहीं बात? जो पिंक कलर का है वो वाई जेड प्लेन को शो करेगा, फर्स्ट टॉप साइड क्या बताएगा जेड एंड राइट, राइट साइड क्या बताएगा वाई फेस। देखो ध्यान से भाई, बिल्कुल बिल्कुल और बहुत बेहतरीन। आइए तो अब इसी को आप ध्यान से देखें, तो यहाँ सिग्मा वन बनाया गया, यहाँ सिग्मा, अब देखिए हमारा क्या था, हमारा सर्किल थोड़ा बुढ़ोती है भाई, हाथ काम गया था वैसे हम भी बनाए थे, लेकिन आप ध्यान से देखो तो ये सिग्मा वन, ये सिग्मा माइनस, मतलब अपोजिट साइड क्यों बना दिए भाई, क्योंकि कंप्रेसिव था गुरु जी और सिग्मा थ्री जीरो था, तो यहाँ तीन तीन रेडियस है आपके पास, एक रेडियस, दो रेडियस, तीन रेडियस, तीनों रेडियस किसी न किसी का, ये आपका एक्स वाई मैक्स बता रहा है, मैक्सिमम इन प्लेन एंड एब्सोल्यूट, यही एब्सोल्यूट भी है, यही एब्सोल्यूट भी, और ये क्या है टाउ एक्स डैश जेड डैश मैक्स एक्स, और ये जो सर्किल बनी थी ये किसके लिए बनी थी एक्स जेड के लिए, ये जो बड़ी वाली सर्किल बनी थी किसके लिए वाई एंड एक्स या एक्स वाई जैसे भी आप बोलिए, और ये वाली सर्किल क्या बनी थी, ये बनी थी वाई एंड जेड के लिए। क्लियर हुआ? तो इन सब में, इन तीनों रेडियस में ये सबसे मैक्सिमम है, इसलिए इसका नाम क्या है एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो कभी भी लोडिंग दिया जाए तो आप आसानी से एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू, सिग्मा टू माइनस सिग्मा थ्री बाई टू और सिग्मा वन माइनस सिग्मा थ्री बाई टू, तीनों निकाले, तीनों में जो मैक्सिमम होगा वही एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा। बाई एक्सियल विद शियर, अब ये लोडिंग अगर दिया जाए तो इसमें देखिए बाई एक्सियल भी है और शियर भी है, कोई दिक्कत नहीं है सर, मोर सर्किल बना लेंगे, इसका आप अलग अलग चीजें पढ़ लेंगे, रेडियस क्या होगा। प्योर शियर, प्योर शियर की बात करें तो प्योर शियर मतलब सिर्फ टाउ लग रहा है और यहाँ थोड़ा उल्टा लग रहा है, तो कोऑर्डिनेट यहाँ पर जो ये एक्स फेस का कोऑर्डिनेट होगा वो टॉप साइड होगा, ये है, ये एक्स फेस है क्योंकि माइनस टाउ एक्स वाई होगा, और ये डी क्या है, ये वाई फेस है, और इन दोनों के बीच में जो होगा, इन दोनों के बीच में जो होगा वो क्या होगा, इन दोनों के बीच में ये सेंटर, और उसके बाद बन गया सिग्मा वन भी हो गया टाउ के बराबर और सिग्मा टू हो गया माइनस टाउ के बराबर, सिग्मा वन टाउ सिग्मा टू, बहुत बार करा चुके हैं, कोई मतलब नहीं इसको। अब आते हैं स्ट्रेन, हमें लगता है कि मोर सर्किल के सारे कॉन्सेप्ट आप अच्छे से कर लेंगे, प्योर शेयर में क्या होता है कैसे बनेगा सारी बातें आपको आती हैं, बहुत हमें टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, ठीक है, बस प्रैक्टिस जितना कर लो, जितने क्वेश्चन है सब प्रैक्टिस कराएंगे हम भी, आप भी कराइए, क्वेश्चन सेकंड चैप्टर का भी बाकी है, थर्ड का भी बाकी है, ये चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए, दोनों का चैप्टर का क्वेश्चन कराएंगे फिर एसएफडी बीएमडी शुरू करेंगे, क्वेश्चन जरूर कराएंगे, बिना क्वेश्चन के कोई फायदा नहीं है, ये ध्यान रखिए। आप एक बार करिए तो यार, बुकलेट उठाइए सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, देख के कर लोगे। आइए तो अब क्वेश्चन आया कि शियर के मतलब स्ट्रेन के बारे में बात करें, स्ट्रेन एनालिसिस, स्ट्रेन एनालिसिस अब चल रहा है भाई, स्ट्रेन क्या होगा,
बात यह है कि स्ट्रेन क्या होगा, तो स्ट्रेन हमें पता है गुरुजी, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ये फर्स्ट लेक्चर से ही चल रहा है कि जब हम कभी लोड लगाएंगे तो उसमें डिफॉर्मेशन होगा और चेंज होगा, डायमेंशन चेंज होगा, शेप या साइज चेंज होगा, इसी को डिफॉर्मेशन कहते हैं। चेंज इन शेप और साइज ही क्या होगा, डिफॉर्मेशन। तो जब चेंज होगा तो हम जान जाएंगे चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन ही स्ट्रेन है। ठीक है, अब जैसे किसी एक बार को अगर हमने खींचा, इधर मान लो एक्स एक्सिस, जो जनरल कन्वेंशन यही लेके चलते हैं कि ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, पर आंख मून के यही कर लें तो ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा 26 को सीबीटी देना है, अच्छा देना है, आएंगे बिल्कुल। चलिए अच्छा है, बहुत बेहतरीन है। तो ये एक्स वाई जेड हो गया, इधर की तरफ एक्स है, उधर की तरफ वाई जेड हो गया। ठीक, हो जाएगा, परेशान नहीं। एसएफडी वीएनडी आप हमारे चैनल से भी देख सकते हैं, ये आपका हो गया। तो इधर की तरफ जो खिंचाव होगा वो क्या होगा, एप्सिलॉन एक्स, इधर की तरफ जो स्ट्रेन होगा वो क्या होगा, एप्सिलॉन एक्स। क्या इसी टाइम क्या वाई डायरेक्शन में भी कुछ चेंज होगा, तो जो इस तरफ जो चेंज होगा इस डायरेक्शन में वो एप्सिलॉन वाई, वो क्या हो गया, एप्सिलॉन वाई। और अगर कहीं कोई ट्विस्टिंग हो जाए, एंगुलर डिफॉर्मेशन हो जाए तो शियर। फिर से नॉर्मल स्ट्रेसेस या नॉर्मल स्ट्रेन साइज चेंज करते हैं, क्या चेंज करते हैं, साइज, जबकि शियर स्ट्रेन शेप चेंज कर देते हैं, शेप ही बिगाड़ देते हैं। एंगुलर डिफॉर्मेशन होता है, शियर स्ट्रेन में एंगुलर डिफॉर्मेशन मेजर करते हैं, नॉर्मल स्ट्रेन में हम साइज का चेंज देखते हैं। नॉर्मल स्ट्रेन आपको हम बेसिक बताए भी होंगे, लॉन्गिट्यूडनल, लेटरल और वॉल्यूमेट्रिक, तीन तरीके के स्ट्रेन होते हैं। तो सारी चीजें हुई हैं बेहतरीन, उसमें आपको टेंशन नहीं लेना। अब इसी में स्ट्रेन के बारे में हम कुछ और अपनी एक दूसरे से राय व्यक्त कर लेते हैं। स्ट्रेन जब कभी, अब स्ट्रेन में दो तरीके हो गया भाई, एक नॉर्मल और एक शियर, नॉर्मल या टेंजेंशियल। नॉर्मल में दो तरीके हो सकता है, एक इलोंगेशन हो सकता है और एक शॉर्टनिंग या कंप्रेशन, इलोंगेशन या फिर कंप्रेशन, कंप्रेशन को शॉर्टनिंग भी कह सकते हैं, शॉर्टनिंग। शॉर्टनिंग या कंप्रेशन, तो हम तय कर रहे हैं अभी, देखो हम दोनों साइन कर रहे हैं एक दूसरे से कि एलोंगेशन अगर होगा तो उसको पॉजिटिव स्ट्रेन लेंगे और कंप्रेशन होगा तो नेगेटिव स्ट्रेन लेंगे। ठीक है, अगर इलोंगेशन होगा तो पॉजिटिव स्ट्रेन और कंप्रेशन है तो नेगेटिव स्ट्रेन। शियर में कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, शियर में कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, अगर इसको आप तय कर लेते हैं तो फिर आसान है क्वेश्चन आगे करना। अब क्वेश्चन आया कि शियर में कैसे, तो आपको याद होना चाहिए कि गुरुजी इस तरह के शियर को पॉजिटिव लिया जाता था, यही तो पॉजिटिव था, जब एक्स फेस पर एंटी क्लॉकवाइज हो तब पॉजिटिव लेते थे। तो ये करेगा क्या, आप बताइए ये करेगा क्या, ऐसे कोई एक बॉक्स था, इधर शियर लगाए, इधर शियर लगाए, इधर शियर लगाए, इधर शियर लगाए, तो ये क्या करेगा, आप बताइएगा ध्यान से, क्या क्या ये ऐसे फेस, क्या ये ऐसे फेस शियर कर जाना चाहेगा, आप बताइए। जब ऐसे आप दबाओगे, ऐसे सरकाओगे, तो क्या ये ऐसे पतंग के शेप का हो जाएगा, बात समझ में आई। जैसे आप एक बॉक्स ऐसे लीजिए और इस बॉक्स को इधर, इस बॉक्स को इधर, इस बॉक्स को इधर, इस फेस को इधर, दोनों लोग ऐसे हाथ रख के ऐसे सरकाओ, तो जब सरकाओगे तो कुछ ऐसा डिफॉर्म शेप होगा, ऐसा डिफॉर्म शेप होगा, या ऐसे इधर की तरफ सरकाओ तो कुछ ऐसा डिफॉर्म शेप। तो एक्चुअल में क्या होगा कि ये और ये दोनों प्लेन्स डिफॉर्म होंगे, कुछ ना कुछ एंगुलर डिफॉर्मेशन दोनों फेसेस का होगा। समझ में आया कि नहीं, आप ऐसे अगर सरकाओगे ऐसे तो उधर की तरफ ऐसे पतंग की शेप का हो जाएगा, और जब इधर की तरफ सरकाओगे तब ऐसे, तो एक्चुअल में दोनों फेसेस डिफॉर्म होंगे, ये भी और ये भी, दोनों फेसेस डिफॉर्म होंगे और फिर कुछ ऐसा शेप बन जाएगा, बात समझ में। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम पहले दोनों फेसेस के बीच का एंगल देखें
तो पहले दोनों फेस के बीच का एंगल 90 था, पहले दोनों फेस के बीच का एंगल क्या था 90, अब दोनों फेस के बीच का एंगल क्या है ये है, अब ये है। तो चेंज इन एंगुलर डिफॉर्मेशन या चेंज इन एंगल कितना हुआ? तो गुरुजी अगर ये फाइव बाई टू मान लें और ये फाइव बाई टू मान लें, अगर इसको फाइव बाई टू इसको फाइव, दोनों फेस तो दबेंगे, दोनों फेस को स्लाइड करेगा ना, कॉम्प्लीमेंट्री रहता ही रहता है, अकेले सीयर होता ही नहीं। तो जब आप ऐसे सरकाओगे तो दोनों फेसेस आपके एंगुलर डिफॉर्म होंगे। तो अगर ये 5 बाई 2 ये 5 बाई 2 तो ये एंगल होगा 90 माइनस 5, ये एंगल क्या होगा 90 माइनस 5, समझ में आ रहा है ना, ये एंगल आपका क्या होगा 90 माइनस 5। अब अगर हम ये डिफॉर्म शेप को एक तरह ऐसे झुका दें, हॉरिजॉन्टल घुमा दें, तो एक फेस अगर हॉरिजॉन्टल हुआ तो टोटल दूसरा फेस फाई के बराबर घूमेगा। देखिए हम दिखाते ऐसा है, हम ऐसे शो करेंगे, पर होता एक्चुअल में ऐसा है कि दोनों फेस 5/2 5/2 सरक रहे, ये भी फेस और ये भी फेस। पर हम अगर इसी को आप सोचिए एक बार 5/2 घुमा दो, तो अगर ये 5/2 घुमा दो तो ये लाइन तो हॉरिजॉन्टल, ये लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, पर ये फाई घूम जाएगा ना। तो अगर टोटल एंगुलर डिफॉर्मेशन 90 डिग्री के प्लेन में आपका फाइ हुआ हो तो आप दोनों फेस में 5/2 5/2 का होता है। पर सो करना ये इजी है कि एक तरफ ये फाइ घूम गया, जबकि घूमेगा दोनों फेस, और कितना घूमेगा 5/2 5/2 घूमेगा। तो हम सब लोग केवल फाइ एक फेस को घूमता हुआ दिखाएंगे, क्लियर। लेकिन होता क्या है 5/2 होता है। जैसे अगर आप डायग्राम देखें तो आपको बहुत बेहतरीन समझ में आएगा, ये देखिए OA और OB दो फेसेस थे, OA और OB क्या थे दो फेसेस थे। हम यहां पर शियर लगाए, जब शियर लगाए तो ये फाई गामा एक्स वाई बाई टू घूमा, तो ये भी तो गामा एक्स वाई बाई टू घूमा, ये फेस और ये फेस, नेट डिफॉर्मेशन गामा एक्स वाई का हुआ। अगर नेट डिफॉर्मेशन देखें तो कितने का हुआ, गामा एक्स वाई का हुआ। अगर आप इस डिफॉर्म शेप को ऐसे 5/2 घुमा दो नीचे की तरफ, तो क्या एक ही फेस 5xy घूम जाएगा? आप एक बार सोचो, इसको फिल करो, अगर ये 5/2 ऐसे नीचे आ जाए, हॉरिजॉन्टल ही रह जाए, तो हम सब लोग जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसमें केवल एक ही फेस को ऐसे डिफॉर्म होता हुआ दिखाएंगे, और एक ही फेस को फाइन एक्स वाई पूरा दिखाएंगे, जबकि दोनों आधा आधा डिफॉर्म्स होते हैं, क्लियर। और एंगुलर डिफॉर्मेशन ही क्या होता है, एंगुलर डिफॉर्मेशन ही शियर स्ट्रेन होता है। ये क्या होता है, शियर स्ट्रेन। अब अगर हम आपसे पूछें कि इस डायगोनल में कितना चेंज हुआ, तो डायगोनल में अगर आप देखो तो पहले डायगोनल कुछ और था, पहले डायगोनल यहां तक था, अब डायगोनल बढ़ गया, तो ये आपका डायगोनल का नॉर्मल स्ट्रेन होगा, खिंचाव नॉर्मल स्ट्रेन होगा। अगर हम बात करें, ये पहले ओबी था, पहले क्या था, ये ओबी था, ये अब ये ओबी डैश हो गया, क्या इसकी लंबाई बदल गई, ओबी की लंबाई बदल गई, बिल्कुल बदल गई। गामा एक्स वाई का वही मतलब है कि एंगुलर डिफॉर्मेशन ऑफ एक्स प्लेन वाई डायरेक्शन, पर एंगुलर डिफॉर्मेशन एक्स वाई का है भाई। एक आप एक्स फेस ले रहे हो, एक ही आपका एक्स फेस है, एक वाई फेस है, तो आपका 90 पहले था, अब क्या है, अब है 90 माइनस गामा एक्स वाई। तो चेंज कितना हुआ, गामा एक्स वाई, पहले दो प्लेन्स के बीच का एंगल 90 था, अब दोनों के बीच का एंगल जो बचा वो कितना बचा, 90 माइनस गामा एक्स वाई बाई टू नहीं, गामा एक्स वाई होगा। और गामा एक्स वाई क्या बताएगा, एक्स और वाई प्लेन के बीच का एंगुलर डिफॉर्मेशन, एक्स और वाई प्लेन के बीच का एंगुलर डिफॉर्मेशन, क्लियर है ना। तो आपका ये हो गया। अब अगर इसी में हम स्ट्रेन पूछे तो स्ट्रेन तो गामा एक्स वाई होगा, क्योंकि चेंज जो हुआ वो गामा एक्स वाई का हुआ, क्लियर।
चेंज इन एंगुलर, तो 90 पहले था, अब 90 माइनस गामा एक्स वाई है, तो चेंज कितना हुआ? चेंज हुआ आपका गामा एक्स वाई। तो शियर स्ट्रेन इन एक्स वाई प्लेन जो होगा वो गामा एक्स वाई होगा। एंगुलर डिफॉर्मेशन इन एक्स वाई प्लेन जो होगा, एक्स और वाई प्लेन के बीच 90 होता है, 90 से कम हो। अब क्वेश्चन ये है कि जब 90 से कम होगा तब पॉजिटिव लेंगे, तब क्या लेंगे? क्योंकि पॉजिटिव की वजह से एंगल कम होता है। अच्छा, पॉजिटिव कौन था? टाउ था। टाउ ऐसा पॉजिटिव था तब एंगल कम हुआ था। टाउ जब पॉजिटिव था तो एंगल क्या हुआ था? कम। अब इसी में एक हम टाउ नेगेटिव का भी केस कर लेते हैं। जैसे मान लो ये था, इस केस में टाउ क्या है आप ही बताओ, क्या शियर नेगेटिव है? इसी को अगर हम शियर नेगेटिव के हिसाब से देखें तो ये शियर नेगेटिव है। क्यों शियर नेगेटिव है? क्योंकि एक्स स्पेस पर क्लॉकवाइज। और जब आप देखेंगे तो इसमें डिफॉर्मेशन जो होगा वो ऐसे कुछ होगा, इसमें डिफॉर्मेशन जो होगा वो क्या होगा? ऐसे कुछ होगा। इसमें डिफॉर्मेशन कुछ ऐसे होगा ना, आप सोचिए, ऐसे जब डिफॉर्म, ऐसे जब आप सरकाओगे, जब आप एक्स वाई क्लॉक, ये एक्स प्लेन में क्लॉकवाइज है ना, तो इसलिए नेगेटिव है। एक्स प्लेन में क्लॉकवाइज नेगेटिव बता रहा है, और नेगेटिव के केस में क्या ये एंगल बढ़ेगा? आप ध्यान से सोचो, जब आप ऐसे सरकाओगे तो ये वाला तो घटेगा पर ये वाला एंगल बढ़ेगा, और ये वाला एंगल जब बढ़ेगा तो ये गामा एक्स वाई बाई टू बढ़ेगा, और ये गामा एक्स वाई बाई टू बढ़ेगा। तो जब एंगल बढ़े तब निगेटिव स्ट्रेन लेंगे, जब एंगल इंक्रीज करे किसके बीच, एंगल और इंक्रीज डिक्रीज नहीं बात करनी, बात करनी है टाउ से। टाउ जब निगेटिव था तब एंगल बढ़ रहा था, टाउ जब नेगेटिव था तब एंगल क्या हो रहा था? इन दोनों के बीच का एंगल जो 90 था वो 90 प्लस फाइव हो, प्लस गामा एक्स वाई हो गया, 90 प्लस गामा एक्स वाई हो गया। क्यों प्लस गामा एक्स वाई हो गया? क्योंकि यहां पर आप ऐसे जब सरकाएंगे तो ये एंगल घटेगा और ये एंगल बढ़ेगा। भाई आप ध्यान से देखो, तो शियर में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, शियर स्ट्रेन में कहां गया वो सिंबल, कहां दिखा रहे थे? शियर स्ट्रेन में जैसे नॉर्मल में इलोंगेशन शॉर्टनिंग हुआ, शियर स्ट्रेन में जब एंगल कम होगा तब पॉजिटिव, और जब एंगल बढ़ेगा तब नेगेटिव। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव पहले भी हुआ था, ये नेगेटिव पहले भी हुआ, कुछ नया नहीं ले आए। हाँ, दूसरे कोने पे नहीं, एक कोना ही आप रेफरेंस में मानिए, क्योंकि सही बात है भाई, एक कोने में कम होता है दूसरे कोने में बढ़ता है, ये बिल्कुल सही है। पर आप जो रेफरेंशियल कोना ले रहे हैं उसमें एंगल अगर घटे, कॉर्नर मतलब आपने क्या किया, ओरिजिन, यही जनरली यही मानते भी है सब कोई, तो अगर इसमें एंगल कम हुआ, और कम नहीं सर, इस तरह का टाउ लगने की वजह से जो डिफॉर्मेशन होगा वो पॉजिटिव, और इस तरह टाउ लगने से जो डिफॉर्मेशन होगा वो निगेटिव। सिंपल सी बात, क्योंकि ये पॉजिटिव शियर होता है और ये निगेटिव शियर होता है, क्लियर? और इस तरह में आप खुद फील करिए तो यहाँ का एंगल जो होगा, यहाँ का एंगल जो होगा वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, यहाँ का एंगल जो होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऐसी लोडिंग में जब आप ऐसे क्लॉकवाइज यहाँ लोडिंग करेंगे तो ये एंगल यहाँ का बढ़े। अब देखिए, बढ़ना घटना नहीं तय कर सकते भाई, आप केवल इस तरह का अगर लोडिंग हो, इससे जो डिफॉर्मेशन होगा वो निगेटिव होगा। अब जैसे ठीक है, यहां तो बढ़ रहा है, यहां घट भी तो रहा है, सही बात है, पर रेफरेंस प्लेन में जो 90 आपने लिया था वो 90 प्लस गामा एक्स वाई हो गया ना, जो 90 लिया था वो 90 प्लस गामा एक्स वाई हो गया। क्लियर हुआ, समझ में आया? तो ऐसे को नेगेटिव लेंगे, और इसके पहले जो हमने दिखाया ये पॉजिटिव लेंगे, और दिखाते वक्त एक्चुअल में हम ये दिखाएंगे ना, दोनों को घूमते हुए नहीं दिखाएंगे भाई, हर बार पतंग बनाना आसान नहीं होगा। तो जब ऐसे दिखाएंगे तो डायरेक्ट इसी को फाई एक्स वाई दिखा देंगे, पूरा एंगल यही घूम गया, जबकि घूमते दोनों फेस आधा आधा है, घूमते क्या है दोनों फेस आधा आधा। अगर इसी को ऐसे आप खुद सोचिए, अगर गामा एक्स वाई बाई टू घुमा दो तो ये एंगल डबल घूम जाएगा पहले,
तो दिखाएंगे ऐसे, होगा ऐसे, ये पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, दूसरा क्या है, निगेटिव। साइन कन्वेंशन पे साइन करते वक्त होश पूरा रहा, क्लियर हो गई ना साइन, एक बार दिनेश पाल बताइए, अगर साइन कन्वेंशन क्लियर हुआ तो हम आगे बढ़ जाएं और चीजें बस आसान है। साइन कन्वेंशन क्लियर है ना आपको, कुछ नहीं, बिल्कुल बेहतरीन, चलो अच्छी बात है। तो अब ध्यान रखिएगा, अब एक ही बात बोलेंगे, पूरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए, बिल्कुल बिल्कुल ओके। तो अब ध्यान रखिएगा, जो आपका नॉर्मल होता है वैसे ही, जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है, वैसे ही स्ट्रेन का भी फॉर्मूला होता है, सिंपल। बस जो स्ट्रेस सिग्मा एक्स था उसी को स्ट्रेन में हम एप्सिलॉन एक्स से रिप्लेस करते हैं, अगर सिग्मा वाई था तो उसी को हम एप्सिलॉन वाई से रिप्लेस कर देंगे, और जो आपका टाउ एक्स वाई था वहां पर टाउ एक्स वाई बाई टू, फाई एक्स वाई बाई टू करेंगे, क्योंकि सच्ची बात यही है कि हर कोई फेस आधा आधा ही एंगुलर डिफॉर्म होता है, हर कोई क्या होता है, हाफ एंड हाफ ही एंगुलर डिफॉर्म होता है, बस यही आपको करना है, बस यही आपको करना है, रिप्लेसमेंट कर देना है, जहां जहां आई स्ट्रेन का क्वेश्चन है, कुछ नहीं सर, जो स्ट्रेस के साथ खेलते थे वैसे ही करेंगे, बसरते जहां जहां सिग्मा एक्स वहां वहां एप्सिलॉन एक्स, जहां जहां सिग्मा वाई वहां वहां एप्सिलॉन वाई, और जहां टाउ एक्स वाई वहां, बस ये ट्विस्ट है, ये ट्विस्ट है भाई, यही ट्विस्ट है कि वहां पर फाई एक्स वाई नहीं, वहां फाई एक्स वाई आधा लेते हैं, आधा आधा क्यों गुरुजी, क्योंकि एक फेस एक्चुअल में आधा ही घूमता है। अब जैसे मान लीजिए, अब जैसे किसी ने कहा कि यह एक कोई मेंबर है, इसको पता नहीं कैसा लोड किया गया, जैसा भी लोड किया गया, इधर की तरफ एप्सिलॉन एक्स स्ट्रेन आया, इधर की तरफ एप्सिलॉन वाई स्ट्रेन आया, और एंगुलर डिफॉर्मेशन जो एक्स वाई का है, एंगुलर अब कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, तो एंगुलर डिफॉर्मेशन वो फाई एक्स वाई है, एंगुलर डिफॉर्मेशन इसका क्या है, फाई एक्स वाई, जबकि आधा आधा हुआ होगा। हम आपसे पूछ रहे हैं कि इसके 35 डिग्री इस वाले प्लेन, इसका बताओ इस पे ट्विस्टिंग क्या हुआ और इस पे डिफॉर्मेशन क्या हुआ। अब जब आप ऐसा खींचे, उधर खींचे, डिफॉर्म किए, तो हो सकता है इसकी कुछ नॉर्मल स्ट्रेन है, कुछ इसमें क्या है, नॉर्मल स्ट्रेन है किसी थीटा एंगल पर, और क्या ये प्लेन यहीं रह गया हो, कि हो सकता है कुछ एंगल घूम गया हो सकता है ये कुछ एंगल घूम गया हो। जब आप खींचेंगे दोनों तरफ, जब आप खुद सोचिए कि किसी भी मेंबर को आपने इधर इधर खिंचाव करके और थोड़ा घुमाव भी कर दिया, तो जो यहां था हो सकता है कि कुछ देर बाद ये इधर की तरफ एंगुलर डिफॉर्म हो जाए। तो हम कहे इस प्लेन का जो थीटा इक्वल टू कुछ है, इस प्लेन का नॉर्मल इलोंगेशन बताइए, मतलब इसका नॉर्मल स्ट्रेन बताइए और शियर स्ट्रेन बताइए। अच्छा, इसका नॉर्मल स्ट्रेन फील क्या दिलाता है, इसका नॉर्मल स्ट्रेन ये बताता है कि इसकी लंबाई में कितना परिवर्तन अपॉन ओरिजिनल लंबाई, चेंज इन प्लेन की लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और शियर ये बताता है कि कितना ये और डिफॉर्म हो गया, एंगुलरली कितना डिफॉर्म हो गया। तो नॉर्मल स्ट्रेन जो होगा वो कुछ नहीं होगा, एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई बाई टू प्लस एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाई टू कॉस टू थीटा। सर ये कहां से आया था, वही याद करो जो सिग्मा एक्स वाला फॉर्मूला था, वही फॉर्मूला प्लस फाई एक्स वाई बाई टू, टाउ एक्स वाई नहीं, टाउ एक्स वाई या फाई एक्स वाई बाई टू साइन टू थीटा, बस हो गया। तो इस प्लेन का नॉर्मल स्ट्रेन क्या होगा ये आप बता ले गए, सिंपल सा करना है बस, एकदम आसान है। जहां पर एप्सिलॉन, जहां पर आपका नॉर्मल सिग्मा एक्स था वही एप्सिलॉन एक्स, जहां सिग्मा वाई था वही एप्सिलॉन वाई, जहां टाउ एक्स वाई था वहां फाई एक्स वाई बाई टू, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला। इसका एंगुलर डिफॉर्मेशन मतलब इसका फाई कोई पूछे, एक्स डैश वाई डैश इसको बोलेंगे, तो ये होगा माइनस एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाई टू साइन टू थीटा, साइन टू थीटा, साइन टू थीटा प्लस फाई एक्स वाई नहीं, फाई एक्स वाई बाई टू कॉस टू थीटा, बस आपको यही ध्यान देना है, फाई एक्स वाई बाई टू कॉस।
एकदम सिंपल क्वेश्चन यार, बहुत आसान क्वेश्चन, कुछ करने नहीं, इसलिए हम स्ट्रेस पे ज्यादा मेहनत किए थे कि स्ट्रेस में हमें मेहनत ही ना करना पड़े। बात समझ में आई, क्लियर हुआ ना सब कुछ? जो क्वेश्चन रहेगा उसको दिया रहे, अब मान लीजिए ये भी हो सकता है भाई, हम कैसे कहें क्या दिया रहेगा। हम ये कह सकते हैं कि मान लो एप्सिलॉन एक्स एप्सिलॉन वाई और फाई एक्स वाई दिया है, एप्सिलॉन एन पूछ लिया, या एप्सिलॉन एन दिया है, एप्सिलॉन एक्स दिया, एप्सिलॉन वाई दिया है, फाई एक्स वाई पूछ लिया। भाई चार लोगों में से तीन दिया रहेगा, एक आपसे पूछ लेगा, चार लोग है ना, चार का थीटा भी वेरिएबल एक तरीके से देखा जाए तो चार पांच लोगों में आपको एक इक्वेशन भाई कंफर्म है, एक गोली से एक ही आदमी मरेगा, तो एक ही अननोन रहे, अगर दो अननोन रहेगा तो दो गोली लाओ, दो इक्वेशन लेके आओ। जैसे एप्सिलॉन एक्स एप्सिलॉन वाई फाई एक्स वाई दिया है, तब इसका आपने इलोंगेशन, इसके आपने नॉर्मल स्ट्रेन निकाली, वो हो गया ये। पर हो सकता है इस डायरेक्शन में नॉर्मल स्ट्रेन ही दिया हो, इस डायरेक्शन में नॉर्मल स्ट्रेन एप्सिलॉन एक्स एप्सिलॉन वाई दिया हो, तो फाई एक्स वाई भी पूछ सकता है भाई कि एक्स वाई फेस का क्या डिफॉर्मेशन होगा, तो ये भी पूछ सकता है। या फाई एक्स वाई दिया हो, एप्सिलॉन एक्स ना देके एप्सिलॉन वाई और एप्सिलॉन एन दिया हो, तो आपसे एप्सिलॉन एक्स पूछ ले। बात समझ में आ रही है ना? कुछ भी देके कुछ भी पूछ सकता है, बस आप समझिए कि कौन सा टर्म्स क्या है। एप्सिलॉन एक्स एक्स डायरेक्शन का नॉर्मल स्ट्रेन है, एप्सिलॉन वाई वाई डायरेक्शन का नॉर्मल स्ट्रेन है, फाई एक्स वाई प्लेन का एंगुलर डिफॉर्मेशन है, और कम होगा अगर इस कोने में कमी होगी तो पॉजिटिव लेंगे, अगर इंक्रीमेंट होगा तो नहीं। फील नहीं हो रहा है भाई? फील और चीजें समझ पा रहे हो ना? फील ठीक है, फील नहीं हो रहा, आते हैं। जैसे ये लंबाई है, जैसे आपको ये दिख रहा होगा ना कि ये चौड़ाई कुछ होगी, ये प्लेन है, ये भी प्लेन है। अब अगर जैसे आप सब लोग इधर उधर सब कोई खींचने लगे, हम अभी फाई को देते ही नहीं, इधर उधर कुछ खींचने लगे एप्सिलॉन एक्स एप्सिलॉन वाई, तो क्या ये कुछ खींच जाएगा? क्या ये प्लेन जो ऐसे था ये कुछ इलोंगेट हो जाएगा? और जब दोनों तरफ खींचोगे तो हो सकता है ये कुछ ना कुछ एंगुलर टर्न भी बढ़ भी जाए और एंगुलर टर्न भी कर जाए फाई। समझ में आया? एंगुलर हो सकता है ये कुछ कम हो जाए इसके एंगल, मतलब इधर घूम जाए, तो जब एंगुलर डिफॉर्म होगा तो ये फाई एक्स डैश वाई डैश है ये एंगल, और एक्चुअल में फाई एक्स डैश वाई डैश बाई टू है, क्योंकि ये भी तो आपका 90 डिग्री वाला भी प्लेन तो कुछ घूम जाएगा, पहले ये 90 था कुछ, फिर ये कुछ घूम गया, तो फाई एक्स वाई बाई एक्स डैश वाई डैश बाई टू है। चलिए एक फॉर्मूला हमने गलत किया था क्या? नहीं नहीं, यहां भी बाई टू करेंगे, ये गलत हुआ था। हर जगह जहां जहां टाउ हो वहां फाई एक्स वाई बाई टू कर देना है, बस इतनी सिंपल सी बात है, हर जगह आधा कर देना है। तो अब क्वेश्चन है कि इसका जो लंबाई बढ़ा, मान लो ये लंबाई था तो ये कुछ लंबाई बढ़ा ना, ये लंबाई बढ़ने, ये लंबाई डेल्टा एल अपान ओरिजिनल जो लंबाई थी, ये ओरिजिनल लंबाई, ये लंबाई एल है, ये आपका एप्सिलॉन नॉर्मल बताएगा। ये जो लंबाई, कुछ लंबाई बढ़ गई ना, और जो लंबाई बढ़ गई तो नॉर्मल स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो पहले लंबाई इतनी थी, जब घूम के इतना हो गया तो लंबाई ये हो गई, इंक्रीमेंट चेंज इन लेंथ अपॉन, और ये कैसे निकाला जाए? तो ये होगा एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई बाय टू प्लस एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाय टू कॉस टू थीटा, और टाउ एक्स वाई यहाँ है नहीं तो होगा नहीं। कितना एंगुलर डिफॉर्मेशन? तो आप कहोगे फाई एक्स डैश वाई डैश बाई टू, फाई एक्स डैश वाई डैश बाई टू इक्वल टू माइनस टाइम्स एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाई टू साइन टू थीटा। इस केस में, इस केस में ऐसा होगा, ठीक है? हर समय क्या लोडिंग होगी, मतलब कितना आसान है भाई। अगर आपको एक्स और वाई डायरेक्शन में नॉर्मल स्ट्रेस दिए हो, एक्स वाई प्लेन का शियर स्ट्रेन दिया हो, जनरल लोडिंग की बात करना, कोई हो या ना हो ऐसा कोई जरूरी नहीं, हो सकता है वाई डायरेक्शन में एप्सिलॉन वाई जीरो हो, एप्सिलॉन एक्स अकेले हो,
पर हाँ जब ये चीजें दी हूं तो किसी इंक्लाइन प्लेन का नॉर्मल कितना खिंचाव हुआ, कितना एंगुलर डिफॉर्मेशन हुआ, उसके बारे में जानने के लिए आपको बस वही फार्मूला लगाना है जो स्ट्रेस के कॉन्सेप्ट में था, सिंपली वैसे ही करना है, बसरते आपको केवल एक काम करना है, जहां पर टाउ था वहां फाइ एक्स वाई बाई टू कर देना है, जहां जहां टाउ था वहां फाइ एक्स वाई बाई टू कर देना है। क्लियर हुआ दिनेश जी? एकदम क्लियर हुआ, समझ में आई सारी चीजें? तो बेहतरीन, आप सब लोग रेगुलर क्लास करते रहे, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, एकदम टेंशन नहीं लेना, ठीक है? बिल्कुल। अब बात आई कि थोड़ा सा हम आगे बढ़ जा रहे हैं कि बातें कैसे कैसे होंगी। यहां तक हो गया था शियर स्ट्रेन की बात, ये पॉजिटिव शियर स्ट्रेन है, पॉजिटिव शियर स्ट्रेस से डेवलप होने वाला स्ट्रेन पॉजिटिव शियर स्ट्रेन होता है, और नेगेटिव शियर स्ट्रेस से डेवलप होने वाला स्ट्रेन नेगेटिव शियर स्ट्रेन होता है। अब ये सब बातें हो गई स्ट्रेन एनालिसिस की, हम चलो अब इसी में देखो स्ट्रेन ऑन इंक्लाइन प्लेन, प्लेन स्ट्रेन कंडीशन की बात चले, स्ट्रेन ऑन इंक्लाइन प्लेन। तो स्ट्रेन ऑन इंक्लाइन प्लेन किसी थीटा प्लेन पर डायरेक्ट स्ट्रेन या नॉर्मल स्ट्रेन, डायरेक्ट को ही क्या बोलेंगे, नॉर्मल स्ट्रेन, नॉर्मल या डायरेक्ट स्ट्रेन होगा एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई बाई टू प्लस एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाई टू कॉस टू थीटा, और ये होगा फाइव बाई टू साइन टू, इसको गोला बना लीजिएगा, जहां टाउ होता था वहां फाइव बाई टू होगा। ऐसे अगर शियरिंग स्ट्रेन, तो शियरिंग स्ट्रेन डायरेक्ट वाला मिलेगा ही नहीं, आधा आधा ही मिलेगा। शियरिंग स्ट्रेन इक्वल टू माइनस टाइम्स एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई, थोड़ा सा यहां फार्मूले में गलती है, एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई साइन टू थीटा, साइन टू थीटा, और ये होगा हाफ फाइव बाई टू कॉस, इसको भी आधा क्यों हुआ ये आप समझ गए होंगे। एप्सिलॉन एक्स एंड एप्सिलॉन वाई आर द स्ट्रेन इन एक्स एंड y direction, epsilon x और epsilon y क्या है, strain in x and y direction। अब कोई पूछे maximum principal strain बताओ, maximum principal strain बताओ, तो भाई हमें formula याद होता था sigma 1 plus sigma 2 by 2 plus under root sigma 1 minus sigma 2 by 2 का whole square plus tau x, stress का आता था, strain का भी आता है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे stress वैसे strain, बस ध्यान रखिए। तो epsilon 1 जो होगा वो एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई बाई टू, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, आप यहां अपने से लिख लो यार, एप्सिलॉन वन मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन इक्वल टू एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई बाई टू प्लस अंडर रूट एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाई टू का होल स्क्वायर, और प्लस फाइव बाई टू का फाइव एक्स वाई लिख लीजिए, एक्स वाई प्लेन में फाइव एक्स वाई बाई टू का होल स्क्वायर। ऐसे मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन इक्वल टू एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई बाई टू माइनस अंडर रूट एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाई टू का होल स्क्वायर, और प्लस फाइव एक्स वाई नहीं, फाइव एक्स वाई बाई टू का होल स्क्वायर, बाई टू थोड़ा ध्यान रखिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब क्वेश्चन है कि कहां पर प्रिंसिपल स्ट्रेन मैक्सिमम, बाय डिफॉल्ट वही बात है, जहां पर शियर स्ट्रेन जीरो हो, जहां शियर स्ट्रेन जीरो हो वहीं पर क्या होगा, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन होगा। अब जैसे कोई पूछे किस एंगल पर, तो जैसे टेन टू थीटा, टू थीटा पी मान लो प्रिंसिपल स्ट्रेन के लिए, तो यहां पर जो होगा फाइव एक्स वाई बाई टू, फाइव एक्स वाई बाई टू एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाई टू, जैसे आपका आता था टाउ एक्स वाई अपान एप्सिलॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू, ये तो आता था। तो यहां से आप देखेंगे तो इसका जो आएगा टेन टू थीटा पी इक्वल टू आएगा फाइव एक्स वाई अपान एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई, इस एंगुलर पोजिशन पर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन होगा, इससे 90 डिग्री पर मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन होगा, इस एंगुलर पोजीशन पर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन होगा, इससे 90 डिग्री पर मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन होगा। क्लियर हुआ ना? और ये ध्यान रखिएगा, कोई पूछे कि मैक्सिमम शियर प्लेन और प्रिंसिपल प्लेन के बीच, प्रिंसिपल स्ट्रेन प्लेन के बीच का एंगल क्या होगा, 45, वैसे ही सिंपल कॉमन सी बात है, सारी चीजें वैसे ही एकदम आसान आसान चीजें, ठीक है? क्लियर हो रहा है ना? तो कल हम लोग बात करें जैसे फाई मैक्सिमम शियर स्ट्रेन अगर कोई पूछे तो कुछ नहीं करना है, जो आपका टाउ मैक्स बाई टू
एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाई टू का होल स्क्वायर और फाई एक्स वाई बाई टू का होल स्क्वायर, एकदम वैसे ही कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेन क्या होगा। ठीक है, क्लियर। कल हम सब लोग प्रिंसिपल स्ट्रेन और स्ट्रेन रोसेट की बात करेंगे, क्योंकि स्ट्रेन रोसेट आपका एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है कि कैसे स्ट्रेन मेजर किया जाए। अभी तो सब हम न्यूमेरिकली कर रहे हैं, ठीक है, जैसा पढ़ा रहे हैं क्या बात है भाई, आगे भी कुछ लिखो जैसा पढ़ा रहे हैं, इससे क्या होगा, ऐसे बहुत समय लग जाएगा ना जैसा पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या करें भाई, मजबूरी है, वैसे लास्ट तक पढ़ाइए, ये आपके अरे यार आपसे कसम से भाई, जो बातें हैं वैसे ही रहेंगी, हम में कमियां नहीं आएंगी, आप रेगुलर बने रहिए और ईमानदारी से सोम सिखा देंगे, इसकी हम गारंटी लेते हैं। ठीक है, अरे बिल्कुल भाई, जैसा पढ़ा रहे हैं वैसे ही पढ़ाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड आप देखिए तो सही, एक बार कहीं कोई एनर्जी लेवल आपका डाउन या पॉजिटिव नहीं हुआ होगा, जैसा शुरू में था वैसा अभी भी। खैर चलिए, आप सब लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, कल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कैसे हम स्ट्रेन मेजर करके कैसे स्ट्रेस को कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए अभी एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट पर जाएंगे कि कैसे कैसे नापते हैं सारी चीजों को, फॉर्मूले वाइज कुछ दिया हो कुछ निकाल लेंगे, किस प्लेन में क्या होगा, ये सारी चीजें चल जाती है, फॉर्मूले वाइज आप सब लोग कर लेंगे और हमें लगता है कि फॉर्मूला वाइज कर लेंगे। ठीक है, फिर कल हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट करेंगे, कल शायद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए और उम्मीद करते हैं कि परसों आप हमसे सेकेंड चैप्टर के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। ठीक है, परसों आप क्वेश्चन के साथ मुलाकात होगी तो बेहतरीन एक मुलाकात होगी, सेकंड और थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन कराएंगे, फिर एसएफडी बीएमडी दमदारी से कराएंगे, परेशान होना नहीं, जो करा देंगे वही और वैसे ही आएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर, आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खूब आपका दिन शुभ हो, आपकी रातें शुभ हो, अच्छी दिन अच्छी रात अच्छा समय अच्छा साल गुजरे और आप हमें एक साल के अंदर कहीं ना कहीं से अपनी सरकारी खाते से सैलरी स्लिप दिखा पाएं। ठीक है, बहुत बहुत